अगला कॉलर जो है वो जीके। हाँ जी जीके, गुलाम खान। क्या गौरव, गौरव। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है सर। मैं पिछले लोगों जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ हूँ तब से सुन रहा हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला बात करने का। अच्छा, इंडिया से हूँ मैं, पंजाब से। तो मेरी पिछले 10 दिन पहले की इजिप्टियन मुस्लिम से बात हुई रिगार्डिंग इक्वालिटी इन इस्लाम। तो उसने मुझे पलट के ये जवाब दिया कि हम इक्वालिटी में बात नहीं करते, हम इंसाफ में बात करते। और वो मुझे एग्जांपल देने लग गया कि अगर कोई क्रिकेट टीम हो इसमें लड़के और लड़के खेल ही नहीं सकते तो ये तो कहीं भी नहीं है, तो इस्लाम में कहाँ से आ जाएगा। तो मुझे फुटबॉल का एग्जांपल दे रहा है, उनकी अलग टीम होती है, उनकी अलग टीम, मुझे मुझे इस तरह का एग्जांपल दे रहा। उसके उस उल्लू के पटे को ये कहना था कि उसकी तो वजह है ना, मर्द स्पोर्ट्स में उसकी ताकत का मुजाहरा करना होता, ठीक है। अब जारी बात है, ताकत का मुजाहरा तो मर्द मर्द भी एक बॉक्सिंग रिंग में नहीं होते। हैवी वेट की डिवीजन और है, लाइट वेट की डिवीजन और है, उसमें तो है ही ताकत का मुजाहरा। स्पोर्ट्स में ताकत का मुजाहरा, तो ताकत में तो हमें पता है कि औरत मर्द के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए बोला था। अब नमाज में तो उठ के बैठ के लगानी है, उठ के बैठ के में कौन सी ताकत का मुजाहरा है। जिम में लोग जाते हैं, जुम्बा वगैरह की क्लासें लेते हैं, योगा में लोग इकट्ठे मर्द औरत बैठे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। क्रिकेट में लड़कों को लड़कियों के साथ उनका क्रिकेट का मैच करवा दो, पता चल जाएगा हर 10 में से 10 में मर्द जो है वो औरतों को हरा देंगे। तो ये वजह, तो कोई वजह होती है पीछे, वजह ये नहीं होती कि किसी की तलवार लटक रही है या नहीं, वजह होती है उस वो टेस्ट किस चीज का। चूंकि पता मर्दों का, मोमिनों का हर वक्त टेस्ट होता ही ठरक के ऊपर है, तो ठरक में जब वो आगे उसमें गोडों में हाथ रख के वो बेचारी नमाज पढ़ने नीचे से जाएगी तो वो पीछे से मोमनों की नजरें दूरबीन उधर फिट हो जाएंगी उसके उसकी बैक पे। तो ये वजह, तो मोमिन चूंकि ठरकी होता है बाय मजाज, उसको रसूल अल्लाह ने, इस्लाम ने ठरक की बातें सिखाई हैं, इसलिए वो ठरक के ठरक की ही बेस पे। असल वजह ताकत का नहीं है इसमें वजह ठरक की। और ये कहते हैं, खुल के कहते हैं मोमिन, वो जी मर्द और औरत अकेले बैठे होंगे तो शैतान, तीसरा बंदा शैतान होता, यानी उन्होंने ठरक कर देना, यानी उनमें कोई, और क्योंकि सारी बात है उनका जो रोल मॉडल है वो रोल मॉडल भी तो वैसा ही है ना। वो कौन सी हदीस है, ठहरो जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह रसूल अल्लाह, जब डर्टी थॉट्स आ जाती हैं लोगों को, ये देखें ये सही मुस्लिम की 1403 एवी हदीस है, जाबिर ने रिपोर्ट की कि जैनब एक दफा घर में बैठी हुई, रसूल अल्लाह ने सड़क पे एक औरत को देखा, वो फौरन भागे भागे घर में आए, जैनब जो लेदर को टैन कर रही थी उसके साथ डिंग डाउन कर दिया। और फिर उन्होंने बाद में जाके अपने कंपेनियंस को बताया द वुमन, और रसूल अल्लाह ने क्या कहा यहाँ पे कि औरत जो है आती है इंसान में शैतान की शक्ल में। इसका इल्जाम भी औरत के ऊपर डाल दिया कि औरत आती है शैतान की शक्ल में, जब भी तुम औरत को सड़क पे देखो तो फौरन आके अपनी बेगम के साथ डिंगडोंग कर दो। तो ये इनका जो म्यार है, इनका तो म्यार ही ऐसा है ठरक के ऊपर, यानी ठरक यानी आपके पास है ये गूगल ड्राइव में है क्या, अलग से फोल्डर गूगल ड्राइव में? नहीं, गूगल ड्राइव पे नहीं मैंने रखा, मुझे क्योंकि ये ऐड हो रही है तो मुझे वो करना भी नहीं आता। खैर वो किया नहीं है, मुझे बड़े लोगों ने कहा हुआ, लेकिन ये इसको ऑर्गेनाइज भी मैंने बेहतर तरीके से करना है, इसकी रीनेमिंग जो है ज्यादा अच्छी करनी है, क्योंकि कई डिफरेंट टॉपिक्स में आ जाती है। तो ये सारी हदीसें जो है क्योंकि इनका रोल मॉडल है सर, मैंने जनरली चेक करा है कि जो मिडिल ईस्ट जैसे साउथ इजिप्टियन हो गए ये तो फिर भी, लेकिन सऊदी के हैं वो फिर भी ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है अभी सऊदी से, वो मिली जो हमारे इंडियन मुस्लिम हो गए पाकिस्तान, उनसे तो इतना क्योंकि इतना गुस्सा करता है ना, वो खुद ही बोलता है इन्होंने कहा इन्होंने हमारा इस्लाम बदनाम कराया। नहीं वो तो फिर उनको भी ये नहीं, उनको देखे ना तो उनको हदीसों का नहीं ना पता होगा, उनको अपने रसूल अल्लाह के कारनामों का नहीं पता ही नहीं है ना, उन्हें वो नाम के मुसलमान है। जितना बगैरत अगर आपको कोई मुसलमान नजर आएगा ना, वो असल इस्लाम के उतना ही करीब होगा। एक बंदे से सवाल पूछा गया कि क्या आप दाइश को सपोर्ट करते हैं, वो कहता नहीं मैं दाइश को सपोर्ट नहीं करता। फिर आप उसे पूछते हैं कि आप चोरी की सजा हाथ काटने को समझते हैं, वो कहता हाँ। फिर आप उसे पूछते हैं जने को संगसारी पत्थर मार मार के मारने को सजा को सही समझते हैं, वो कहता हाँ। फिर आप उसको कहते हैं जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनको मारना सही समझते हैं, वो कहता हाँ।
तो फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई यही काम तो दाइश करती है, तो नहीं दाइश को हम सपोर्ट नहीं करते, दाइश को सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि दुनिया ने छितर मार दिया, दाइश और तालिबान ये है असल इस्लाम। या आपके साउथ के मुसलमान या सादिक खान जैसे मुसलमान, इनको मैं कहता हूँ लिपस्टिक मुसलमान, इनको इस्लाम की एबीसी भी नहीं पता होती है, जब पहले भी आया था ना वसीम खान, उसको पता ही नहीं है नतीजों का, इन्होंने कभी रिसर्च ही नहीं की, बस हाँ जी अच्छी अच्छी बातें सुई, असल चेरी पिकिंग इन्होंने की होती है। चले बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।